हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज जो कि एमिरात मॉल का उधर से बस मिलता है, तो बस में हाफ एन आवर का जर्नी है। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं ग्लोबल विलेज। उसका टिकट एंट्री है 30 दिरहम। जैसे मैंने टिकट लिया, 30 दिरहम का टिकट है। तो अभी हम ग्लोबल विलेज में एंटर करेंगे। तो ये ग्लोबल विलेज का एंट्री पॉइंट है जो हमारे पीछे है। यहाँ से अभी हम एंट्री करेंगे। तो ग्लोबल विलेज में देखने लायक बहुत कुछ मैं सुना हूँ। चलिए आज इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल विलेज में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। ओके, लेट्स गो फ्रेंड्स। अभी हम ग्लोबल विलेज का अंदर पहुँच चुके हैं। एंट्रेंस का सामने है। अभी देखिए सामने ये सिडनी ओपेरा हाउस, ये सब कैफेटेरिया शॉप जो है, शॉप वगैरह है। ये पीछे द वर्ल्ड फेमस मोनूमेंट एवर ताजमहल। ये अपना ताजमहल काफ़ी नया है। जो फ्रेंड्स, यहाँ हर एक कंट्री का लगभग फेमस जो है वो यहाँ इन लोगों ने बनाने का कोशिश किया है। अभी मैं जस्ट खड़ा हूँ सामने अपना ताजमहल का सामने खड़ा हूँ, जो कि वर्ल्ड बेस्ट मॉन्यूमेंट एवर बनाया। भी बहुत अच्छा बनाया है। तो बहुत सारा कंट्री का यहाँ बनाया है, ताजमहल बहुत ही बढ़िया। अब देखिए मैं एक साइड से दिखाते हुए जा रहा हूँ, और कौन सा कंट्री का क्या है मैं बोलते हुए जा रहा हूँ। तो ताजमहल, तो चलिए थोड़ा तुर्की का अंदर घुसा जाए, देखा जाए। यहाँ पे जो फूड वगैरह है सब कुछ आपको तुर्की का ही मिलेगा। यही इसका स्पेशलिटी है, टर्किश आइसक्रीम। Thank you.
फ्रेंड, अभी गुलावल विलेज का मैं पाकिस्तान का सामने हूँ, पाकिस्तान पेविलियन। अभी हम चलते हैं पाकिस्तान का। यस सर, आए, एक्सक्यूज मी। कलर वाइन है इसमें, और ये सब कलर वाइन इसी में। ये सब थ्री पीस आएगा, ये वाला, ये सब और पाकिस्तानी थ्री पीस। ये पाकिस्तानी सूट, ये वाला सारा फाइव स्टार है, फाइव स्टार मॉनसून ओरिजिनल एक नंबर। ये ब्रीजा जमजम कराची, ये कराची वाला, ये आएगा लीलर फाइव स्टार आएगा। चीज़ ये भी बहुत प्यारी ये प्योर पाकिस्तानी सूट होता है। इसको हैंड वॉश करो, मशीन वॉश करो, ये खराब नहीं। प्राइस क्या है इसका? ये भैया हम सेल तो करते हैं 150 का, अगर आप चाहिए तो 100 का मिलेगा, फाइव स्टार सूट। इसका दुपट्टा देखो कितना बाहर आता है। बाजी कुरुम चांते। See, this very nice material, cotton. Yes, madam, welcome. Have a look, Pakistani dress material, ma'am. वेलकम। ये तो अच्छा है, वीडियो बनाया यार हमारी भी यार। यहाँ देखें अंदर जैकेट, कौन से चैनल में? यूट्यूब का है। कौन सा? हॉपिंग एरा बाय आलम। ये सब्सक्राइबर है? है मोटा मोटी। यहाँ तो हमारी वीडियो, मैं बोलता हूँ ना लेदर जैकेट के बारे में। बोलिए। हेलो, हाउ लुक लेदर जैकेट्स, पाकिस्तान पवेलियन दुबई ग्लोबल विलेज, यू कम एंड बाय हेयर। लेदर वर्ल्ड शॉप नंबर, लेदर वर्ल्ड 51 एंड 54 शॉप नंबर। एंड दिस इज देन ब्रदर, वेरी गुड सेलमैन, ऑल ओरिजिनल लेदर, ऑल ओरिजिनल पाकिस्तान ओरिजिनल लेदर नंबर वन। यू वांट टू सी ब्रदर, कम इनसाइड। शॉप लेदर का जैकेट दिखाइए ना। ये देखिए, लाइट वेट है, वन पीस पे बना हुआ है, वन पीस पे बना हुआ है, लाइट वेट है। क्या रेंज इसका? रेंज 180 है, डिस्काउंट हो जाएगा अगर कोई बोलेगा, डिस्काउंट कर देंगे। बहुत ही बढ़िया जैकेट है, बिल्कुल सॉफ्ट, कंफर्ट भी बहुत बढ़िया है भाई। फर वाला तो यही रखिए, सॉफ्ट लेदर में है, बुलेट वाला एंड बुलेट प्रूफ आल्सो, वेरी गुड। हमारा सब्सक्राइबर आए तो कुछ डिस्काउंट वगैरह दीजिएगा। हाँ बिल्कुल देंगे, अगर आपका वो एक्सपीरियंस देगा तो इंशाल्लाह आपको उनको उनको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा सर। शॉप नंबर 51 ग्लोबल विलेज, पाकिस्तान पवेलियन, पाकिस्तान पवेलियन लेदर वर्ल्ड, शॉप नंबर 51 54। ओके, थैंक यू सर। पाकिस्तान पवेलियन में ज़्यादातर आपको लेदर गुड्स और थ्री पीस वगैरह का मिलेंगे, जो कि पाकिस्तानी बहुत फेमस है। पाकिस्तानी थ्री पीस अपना इंडिया में भी बहुत जो चलते हैं। अभी हम पाकिस्तान पवेलियन से निकल चुके हैं, अभी दूसरा पवेलियन में घुसेंगे। पीछे हमारे पीछे ये यूएई पवेलियन, यूएई पवेलियन चलते हैं।
यूएई पवेलियन, यूएई पवेलियन के बाद अब हम चलेंगे कोई दूसरा पवेलियन, ये तो खलीफा बिन जायद फाउंडेशन का है, यूएई पवेलियन के साथ लगा हुआ खलीफा बिन जायद नहान फाउंडेशन का है, कोई चैरिटेबल कॉज में है ये, वो भी सेम एज अरबिक कल्चर का है, अरबिक कल्चर होगा। फ्रेंड अभी सामने है सीरिया, सीरिया पवेलियन, अभी देखते हैं सीरिया पवेलियन में क्या होता है। हमारे पीछे ये अमेरिकन पवेलियन है, अमेरिकन शॉटगन टीम लिया है ये, अभी तो अमेरिकन पवेलियन चलते हैं, देखते हैं अमेरिकन पवेलियन में क्या है। जापान पवेलियन, तो चलिए जापान पवेलियन भी देख लेते हैं। ट्रेडिशनल जापानीज पब वगैरह है, यहाँ बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क भी बना हुआ है, बच्चा बहुत बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ हर देश का जो भी फेमस कंट्री वगैरह है वो अपना पवेलियन है, और वहाँ उसी देश का प्रोडक्ट ज़्यादातर दिखता है। तो हमने पाकिस्तान देखा, यूएई देखा, अभी अमेरिका, जापान, सीरिया देखा, तो अभी हमारा सामने है थाईलैंड, चलिए चलते थाईलैंड।